रीवा के समान थाना पुलिस ने कोरेक तस्करी करते हुए 103 शीशी कफ सिरप सहित एक महिला को किया गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त महिला को समान थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके कब्जे से 103 शीशी ऑर्नेक्स कफ सिरप बरामद की गई है। हम आपको बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल महिला करुणा पांडे रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र कोष्टा गांव की रहने वाली है। बताया जाता है कि एक सप्ताह पहले ही इन्हीं धाराओं के तहत महिला जेल से छूटकर बाहर आई थी और उसने फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। आरोपिया महिला के बारे में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, किंतु महिला द्वारा जेल से छूटते ही फिर अवैध कारोबार करना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी। पेश है इस संबंध में थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कोरेक्स साथ एक महिला पकड़ी गई है, क्या इसका रिकॉर्ड है और कैसे पकड़ी गई, कितनी मात्रा इसका कोरेक्स बरामद हुआ है? ये कोष्टा थाना रायपुर की रहने वाली महिला करुणा पांडे, पति स्वर्गीय सुरेश पांडे, उम्र 44 साल है। ये अभी हाल ही में तीसरी बार ये कोरेक्स ऑनरेक्स जो कफ सिरप है 103 सीसी के साथ पकड़ी गई है। एक हफ्ते पहले 3 महीना जेल में रह के आई है, पुनः इस अपराध में संलिप्त हुई और उस पर कार्रवाई की गई है। कैसे बिक्री करती है सर, ये दुकान उकान खोल के रखी है या ग्राहक इसके सेट है, कैसे करके सप्लाई कर रही है? इनके ग्राहक सेट रहते हैं या घूम फिर के बेचती हैं और इसमें प्रॉफिट 3 गुना इनको होता है। लगातार कार्रवाई चल रही है सर, इसके बाद भी ये छूट कराने के बाद पुनः व्यवसाय शुरू कर देते हैं। अभियान के तहत लगातार कार्रवाई प्रदेश में चल रही है, प्रदेश साथ जिले में चल रही है और जो भी इस कार्य में संलग्न है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके परिवार के और सदस्य कुछ संलिप्त हैं इस तरह के कार्य को? परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी NDPS की कार्रवाई पूर्व में हो चुकी है, फिर भी इनके द्वारा अपने कृत्यों में कुछ नहीं लगाया गया और पुनः सूचना मिलने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कुछ की जाएगी। कार्रवाई 110 महिला के विरुद्ध किया जा रहा है।